सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं रात के 12:15, ऑलमोस्ट 12 बजने वाला है। तो कल मैं जा रहा हूँ अपने गांव, जैसे कि हम लोग हर बार दिवाली में वगैरह जाते ही है। तो आज कल व्लॉग होने वाला है एक ट्रैवल व्लॉग, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। मैं बस कल जाने के लिए अपने यहाँ पैकिंग कर रहा था, मेरी पैकिंग हो चुकी है कम्प्लीट। तो अभी मैं जाके सोऊंगा फटाफट, क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी उठना है और जाना है। फटाफट जाके सोता हूँ और अपना कंटिन्यू होगा कल। The next day. तो अभी बज रहे सुबह के 5:30। मैं फटाफट रेडी हो गया, सब कुछ हो गया, ज़्यादा बता नहीं पाया क्योंकि थोड़ा लेट हो गया। मुझे जितना भी पैकिंग वगैरह जितना भी बाकी था और तैयारी वगैरह थी सब हो गई है। तो हम लोग बस निकल रहे हैं। स्टॉप पे पहुंच गए और बस का वेट कर रहे हैं। जैसे बस आएगी अपन बैठ के जाएंगे। यहाँ से पहले अपने को वापस जाना पड़ेगा, वहाँ से अपने को बस अपनी मेन बस है, तो यहाँ से पहले अपने को वहाँ पे पहुंचना है अभी। तो अभी बज चुके 6 और स्ट्रीट लाइट्स बंद हो चुके हैं यहाँ के, और हम लोग की बस अभी तक नहीं आई है। हम लोग अभी भी वेट किए जा रहे हैं। हम लोग वापी बस स्टैंड पे पहुंच गए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो गाड़ी के साथ। जैसे बस आएगी अपने को बस बैठ के निकलना है अभी। Inches later. अरे आशा मोड शूटिंग है लसे कैसे Two thousand years later. सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी हाँ, मेरे लिए ऐसा लग रहा है कि मैं नया व्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आज है अलग दिन जब मैं ट्रैवल करके यहाँ पे आया अपने गांव। मुझे पता है मैं एक ही व्लॉग में डालने वाला हूँ, तो आप लोग बार बार सुन रहे हो, लेकिन क्या करो यार, कल मैं जैसे ही घर पे आया गांव से पूरा ट्रैवल वगैरह करके, एक तो पहले बस में ऐसा सफर गया है कि मतलब पूछो मत यार। बहुत ज़्यादा गर्दी होने की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाया, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। तो घर पे आने के बाद हमने सलोनी का भाई दूज सेलिब्रेट किया। उस चक्कर में फिर मैंने बनाया नहीं ब्लॉग आगे, मैं थोड़ा थका रहा आया था और सब कुछ इस वजह से बनाया नहीं। तो आज है अलग दिन, नया दिन। तो मैं अभी गाँव में हूँ, फिलहाल स्थिति ऐसी है कि अभी मैं गाँव में आ गया हूँ। सब लोग तीनों जन आ गए, मैं मम्मी बहन और मैं। आप लोगों का भी अपने गांव के घर का भी टूर देता हूँ और मेरे नाना नानी से भी मिलाऊंगा। तो ये है अपने नानी का घर और ये अपनी बहना भी बैठी हुई है यहाँ पे। तो चलिए आप लोगों को टूर देते हैं। तो बेडरूम में एंटर होते हैं, सबसे पहले अपने को दिखती है यहाँ पे मैंने खुद बनाई हुई पेंटिंग। तो इसका सीन ऐसा है, मैंने इसको बहुत साल पहले बनाया था। ऐसे ही मैं नया नया जब वॉल पेंटिंग करना शुरू किया था, तो मैं तभी यहाँ पे आया था नानी के घर पर। तो मैंने ये बनाने का नानी को बहुत बोला था पहले सब लोग मतलब डाउट कर रहे थे कि बना पाएगा कि नहीं वगैरह उस टाइम पे इतना, क्योंकि जमता भी नहीं था। लेकिन बनाया मैंने और लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया। और बेडरूम देखने के बाद आगे चलते किचन में। तो ये है मेरे नानी का किचन और यहाँ पे नानी खाना वाना बना रही है थोड़ा दोपहर का। और आज अपना स्पेशल चिकन हांडी बन रहा है घर पे, ये मिट्टी के बर्तन में बनता है और नानी के हाथ की तो टेस्टी भाई, क्या क्या ही बोलूँ। सो मीट माय नानी।
तो अभी बन रहा है दोपहर का खाना, नानी अपने हाथों से बना रही है। और नानी के हाथ की टेस्ट तो भाई बहुत 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 ज़्यादा पसंद है मेरे को, स्पेशली मेरे को नानी के हाथ का कुछ भी बना मतलब भाई ज़बरदस्त। ये देखो हाय हाय ज़बरदस्त, आज तो जलसा पड़ जाने वाला है। तो खाना ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुका है, तो अभी बस फटाफट नानी रोटियां वगैरह कर रही है, फिर हम लोग खाना खाने बैठेंगे। तो नानी अपने सारे वीडियोस देखती है, व्लॉग वगैरह देखती है सारे जितने भी होते हैं, और हर बार जितना जब भी मैं व्लॉग पोस्ट करता हूँ, हर बार व्लॉग बनाने के बाद नानी का मेरे को कॉल आएगा या आएगा, या फिर मम्मी को आएगा बताने के लिए कि व्लॉग वगैरह देखा कैसा लगा क्या नहीं वगैरह सब कुछ बताती है। हाय। तो खाना तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया, मैं आप लोगों को तब तक नाना से मिला लेता हूँ। नाना थोड़ा बाहर गए थे, आ गए हैं, मैं आप लोगों को मिला दूँ। सो मीट माय नाना। तो नाना फिलहाल अभी अभी आए बाहर से, नाना अभी अभी बाहर से आए हैं, तो बैठे थोड़ा फ़ोन वोन देख रहे हैं। तो नाना भी अपने सारे ब्लॉग्स देखते हैं ऑलमोस्ट। तो मेरे नाना रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, तो अभी फिलहाल रिटायरमेंट के बाद घर पे ही रेस्ट करते हैं थोड़े बहुत। फिर भी मना करने के बाद भी बार बार बाहर जाके कुछ ना कुछ, नाना मतलब ऐसा शांति से बैठते नहीं है, कहीं ना कहीं बाहर से काम, ये काम कर लो वो काम कर लो, ऐसा रेट चालू ही रहता नाना का। नाना हाय बोलो। हाय बोल। तो नाना नानी से मैंने मुलाकात करा दी आप लोगों की सबकी। तो अभी मैं फटाफट खाने बैठता हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो मैं खाना खाने के बाद आप लोगों को मिलता हूँ। So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. So this is it, ये था मेरे नानी का घर, मैंने आपको पूरा टूर दे दिया, मिला दिया नाना नानी से। हमारे और भी रिलेटिव यहाँ पे रहते हैं, मैं उनके घर पे भी जाऊँगा आपको, उनसे भी मिलूंगा सबसे, लेकिन वो अपन अगले ब्लॉग में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ मैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।